मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के दिन शायद सही नहीं चल रहे हैं। जहां एक तरफ मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी से उनका विवाद सुर्खियों में है, वहीं दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा पर अब एक नए मामले में वो बुरी तरह फंस चुके हैं। आरोप है कि विवेक बिंद्रा ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है। वहीं इस मामले में उनके खिलाफ नोएडा में केस दर्ज करवाया गया है। आपको बता दें कि विवेक बिंद्रा की शादी 6 दिसंबर 2023 को यानिका के साथ हुई थी। वही शादी के मात्र 8 दिन बाद ही 14 दिसंबर को उनके खिलाफ नोएडा के 126 पुलिस स्टेशन में घरेलू हिंसा और मारपीट का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया गया है। मामले की शिकायत उनकी पत्नी यानिका के भाई वैभव ने दर्ज करवाई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विवेक बिंद्रा ने उनकी बहन को एक रूम में बंद कर दिया था। इसके साथ ही उनके साथ गाली गलौज की और मारपीट भी की, जिसके कारण यानिका को कई गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही आरोप है कि मारपीट के कारण यानिका के कानों में दिक्कत आ गई है, जिससे उनको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। फिलहाल यानिका दिल्ली के कैलाश दीपक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है। वहीं सोशल मीडिया पर मामले को लेकर दो वीडियो भी वायरल हो रहा है। एक वीडियो में आरोप लगाया जा रहा है कि विवेक बिंद्रा की पत्नी सोसाइटी के बाहर खड़ी है, वहीं विवेक बिंद्रा उन्हें जबरदस्ती सोसाइटी के अंदर लेकर जा रहे हैं। वीडियो उसी दिन का बताया जा रहा है जिस दिन यानिका ने विवेक पर आरोप लगाया था। वहीं दूसरा वीडियो अस्पताल का है, जहां यानिका के चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटें दिखाई दे रही हैं। वहीं पुलिस ने विवेक के खिलाफ आईपीसी की धारा 223, 504, 427 और 325 सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने मामले को लेकर कहा है कि फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है, अगर जाँच में आरोप सिद्ध होते हैं तो विवेक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी विवेक बिंद्रा सुर्खियों में थे। उनका संदीप माहेश्वरी के साथ विवाद सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दरअसल संदीप माहेश्वरी ने कुछ दिन पहले ही बिग स्कैम्स पोज टाइटल के साथ एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाला था। इस वीडियो में दो लड़के संदीप माहेश्वरी को बताते हैं कि उन्होंने एक बड़े यूट्यूबर से एक कोर्स खरीदा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो बिजनेसमैन बनने की बजाय सेल्समैन बन रहे हैं। वहीं एक लड़के ने कहा कि उसने कोर्स के लिए 50,000 दिए थे, तो दूसरे लड़के का कहना था कि उसने 35,000 में कोर्स खरीदा था। जिसके बाद संदीप माहेश्वरी का कहना था कि ऐसे लोग कोर्स के नाम पर स्कैम करते हैं। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें दूसरे पक्ष के बारे में भी पूछना चाहिए था। दोनों का विवाद इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है।